डिस्कनेक्शन हो गया था, हम दोबारा वापस वहीं स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लीव आउट किया है। तो फिर डी डिस्टेंस से क्वेश्चन गिवन था, एक माइनस वन, एक हमारे पास जीरो गिवन है, एक पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का क्या है हमारे पास माइनस वन इज वन ऑफ द जीरोस। तो अगर माइनस वन जीरो आता है इसका मतलब फैक्टर क्या होगा, फैक्टर विल बी एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसलिए हमने क्या करा, एक्स प्लस वन से हमने डिवाइड करा किसको, इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करा, और जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या गया, जीरो। इसका मतलब ये इसका फैक्टर तो है। अब जो क्वेश्चन आया वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, अब हम इसके दोबारा फैक्टर्स फाइंड करेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमें उससे जीरोस मिल जाएंगे। तो फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, अगेन आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तरीका क्या है, वही पुराना तरीका है जैसे हम सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। क्या आ रहा है आपके पास, माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या है, माइनस 12 एक्स स्क्वायर आए, और जिन्हें प्लस करने के बाद क्या है, प्लस एक्स आए। क्या है, प्लस एक्स। ये वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। अब देखते हैं इसका, तो 4 3 12 होता है, 4 3 12। तो अगर हम दोनों को प्लस करें तो प्लस की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का लेंगे हम 4x, और माइनस का लेंगे 3x, माइनस का 3x क्यों लेंगे, क्योंकि 4x और माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12x2। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन है हमारी कि जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x2 आना चाहिए, दूसरी कंडीशन है जब दोनों को प्लस करें तो x आना चाहिए। देखिए दोनों कंडीशन हमें मिल रही है, तो फैक्टर्स क्या बने, जो हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 4x और 3x, माइनस 3x में ब्रेक करेंगे। क्लियर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, ये जो टर्म में हमने किसी जगह लिखा है, ये हमने x की जगह लिखा है, किसी जगह, x की जगह। क्लियर है, अब x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 4 कॉमन, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4, तो x माइनस 3 और x प्लस 4। ठीक है, अब एक बार आप इसे 0 के इक्वल पुट करिए, आपने पुट करा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, मतलब एक 0 की वैल्यू क्या आ गई, 3। और एक बार आप इसे 0 के इक्वल पुट करिए तो क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो माइनस वन तो गिवन था, क्लियर है। और आपके जो अदर टू जीरोस, उसने पूछा ना फाइंड अदर टू जीरोस, तो अदर टू जीरोस कितने होंगे, 3 and 4, 3 and -4। दिस इज द आंसर। क्लियर है इतना, इस क्वेश्चन को आप दोबारा कर देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है तो। रेज योर हैंड्स अगर समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया तो चैट विंडो में यस लिख दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो चैट विंडो में यस लिख दीजिए आप, नहीं समझ में आया तो नो लिख दीजिए, अगर समझ में आया तो यस लिखिए। ठीक है, आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे हैं, हम अगला क्वेश्चन अभी कराएंगे अभी आपको, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज Now we will move on to question number 13. Question number 13 is, if 1 and minus 2 are the टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x²
माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, ठीक है। यहां पर देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर फाइंड द थर्ड जीरो, फाइंड द थर्ड जीरो। अच्छा ये कैसे पता चलता है कितने जीरो होंगे, ये हमें इस तरीके से पता चलता है, हम देखते हैं पावर, x की हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री, x की हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री है, तो इसका मतलब इसमें कितने जीरो होंगे थ्री है, इसकी पावर फोर होगी तो फोर जीरो होंगे, इसकी पावर टू होगी तो टू जीरो होंगे, क्लियर है। कितने जीरो है इसका, x का जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस, जितनी डिग्री होगी उतना ही जीरोस होंगे, इसकी डिग्री कितनी है थ्री, तो जीरो भी कितने होंगे थ्री। दो गिवन है आपको तीसरा फाइंड करना है, दो गिवन आपको तीसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फिर अज्यूम करा लेट लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, ये हमने एफ एक्स की वैल्यू अज्यूम कर ली, ठीक है। अब हमें दो जीरो गिवन है, क्या गिवन है दो जीरो, एक वैल्यू का गिवन है हमारे पास एक्स इक्वल टू वन और दूसरी गिवन है एक्स इक्वल टू माइनस टू। अगर आप इसके फैक्टर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसका फाइंड फैक्टर आएगा एक्स माइनस वन, इसका फैक्टर कितना आएगा एक्स प्लस टू, ठीक है। बताया था तरीका क्या है, एक्स इक्वल टू वन तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस टू तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये दूसरा फैक्टर हो गया। दो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, x माइनस वन और x प्लस वन, अभी दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो भी फैक्टर होगा, जैसे कि मैंने लिखा एट, क्या लिखा एट, तो एट का क्या होता है फैक्टर्स टू इंटू टू इंटू टू, और अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करके लिख दू फोर, तो फोर भी तो क्या होगा, फोर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एट, तो फोर भी फैक्टर है एट का, फोर से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर टू और टू से डिवाइड हो जाएगा तो टू टू का कितना होता है फोर, तो फोर से भी एट डिवाइड हो जाएगा। जब एट डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर x माइनस वन, अगर x माइनस वन और x प्लस टू दोनों फैक्टर हैं, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा उससे भी ये डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक नया पॉलीनोमियल फाइंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, x माइनस वन एंड x प्लस टू, मल्टीप्लाई करिए दोनों को, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस नहीं सॉरी माइनस टू, माइनस टू। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये आया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये भी क्या है फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इससे डिवाइड करेंगे एफ एक्स को तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अगेन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, डिवाइड करिए तो पहला आएगा x, x से मल्टीप्लाई करा आपने तो क्या आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो फोर और वन फाइव, सॉरी फोर एंड वन इज फाइव नॉट सिक्स, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, क्लियर। फिर अगेन बैलेंस करना है तो क्या करेंगे हम, इसे माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस इज प्लस टेन, प्लस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये फैक्टर तो है, और जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस फाइव ये फैक्टर बन गया, तो डैट मीन्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू फाइव, तो अदर जीरो जो है, जो थर्ड जीरो है वो कौन है फाइव, थर्ड जीरो कौन हुआ हमारा फाइव, पहले दो गिवन थे हमारे पास वन माइनस टू और थर्ड जीरो इज फाइव, ये बहुत आसान था क्वेश्चन है क्योंकि एक्स माइनस फाइव ही आ रहा है, इसे फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, एक्स इक्वल टू फाइव, तो इट मीन्स द आंसर इज वन टू एंड फाइव, तो अदर जीरो इज फाइव, द थर्ड जीरो इज फाइव, क्लियर है।
जिन लोगों ने पहले वाली क्लास नहीं करी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, क्योंकि उनको ये नहीं पता जीरोस होते क्या है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज नंबर 2A भी कर लें। जब तक आप नहीं करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, आपको ये आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। बताइए आप लोग क्लास में इतना लेट एंटर कर रहे हैं, जब क्लास खत्म होने वाली है तब आप एंट्री ले रहे हैं। क्लास में अगर आप इतना लेट आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी कल से, इसलिए क्लास में टाइम से आइए। ऑल्टरनेट डेज पे क्लास है, आपसे में से 3 ही दिन क्लास होनी है आपकी, और उसमें भी आप लेट आ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 14 भी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपके 2 जीरो गिवेन है और आपको तीसरा जीरो फाइंड करना है। आपके 2 जीरो गिवेन है और आपको अदर 2 जीरो फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड अदर 2 जीरो। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, तरीका वही है। इफ 3 and -3 आर द 2 जीरो If 3 and minus 3 are the 2 zero of polynomial and the given polynomial is x4, x3, x2, 9x plus 18। देखिए यहाँ पर जो डिग्री है 4 है, यहाँ पर डिग्री जो है 4 है, क्योंकि डिग्री 4 है इसका मतलब इसमें 4 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 4। 2 गिवन है, 2 हमें फाइंड करने हैं। 2 गिवन है तो 2 हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। Find all other zeros of given nominal, ठीक है। तो हमने एज्यूम करा लेट fx equals to x4, x3, 11x2, 9x plus 18। क्या गिवन है? Given क्या है? 3 and -3। Given is 3 and -3 are the 2 zeros. Therefore, x plus 3 and x minus 3 are the 2 factors. ठीक है? Of fx are the 2 factors of fx. ठीक है? ये 2 factor हो गए, क्योंकि आप देखिए क्या आएगा, x equals to 3 तो x minus 3 equals to 0. ये पहला factor आ गया x minus 3. ठीक है, फिर क्या आएगा, x इक्वल टू -3 तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर आ गया हमारे, ये 2 फैक्टर्स आ गए हमारे। ठीक है, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 9। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर माइनस 9। क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब ये आ गया, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड, अब fx को डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड fx बाय x स्क्वायर माइनस 9। नाउ वी विल डिवाइड fx, अब क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, fx को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 9 से, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 9 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 9 x4 प्लस x3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, डिवाइड करिए, तो पहला टर्म डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका x स्क्वायर, क्योंकि बैलेंस करना है तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल हुआ, कॉपी करेंगे, x3 माइनस 2x स्क्वायर
माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब लाने के लिए, एक्स क्यूब ठीक है माइनस नाइन एक्स, ये माइनस हो गया प्लस ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन, माइनस के टू चाहिए तो माइनस के टू से मल्टीप्लाई करा टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा कैंसिल रिमाइंडर जीरो ठीक है। तो ये आया आपके पास वैल्यू क्या आ गई, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, नाउ दिस इज द, अब इसे फर्दर फैक्टराइज करना है, अदर टू जीरो फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन आता है सब क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं ठीक है। आपने क्या करा, जो पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करा, पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करा और जो क्वेश्चन आया, और जो क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन के दोबारा फैक्टर फाइंड करेंगे ठीक है, आप उस क्वेश्चन के दोबारा फैक्टर फाइंड करेंगे ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके पास क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए क्या आ रहा है माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो आपको ऐसे टर्म चाहिए जब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या है माइनस टू एक्स आए, और जब प्लस करें तो क्या है एक्स आना चाहिए, जब प्लस करें तो क्या आना चाहिए एक्स ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है ये एक्स है ठीक है। तो देखते हैं क्या टर्म ले सकते हैं, मैंने करा माइनस एक्स नहीं होगा क्योंकि हमें माइनस का वैल्यू चाहिए वहां पर, तो टू वन जो टू वन जो टू, तो हमने लिया टू एक्स माइनस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स, टू एक्स और माइनस एक्स आप प्लस करोगे तो कितना आएगा एक्स सही है, फिर टू एक्स और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ठीक है। तो मतलब ये हमारे दो वैल्यूज जो हम ब्रेक कर सकते हैं वो है टू एक्स माइनस एक्स, किस में ब्रेक करेंगे टू एक्स और माइनस एक्स में ब्रेक करेंगे, तो हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स कॉमन लिया तो क्या आया एक्स प्लस टू, यहाँ माइनस वन कॉमन लिया तो क्या आएगा एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू, एक बार इसे जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, एक बार इसे जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, हमें दोनों जीरो मिल जाएंगे। तो पहली पहली बार हमने इक्वेट करा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन ये पहला आंसर, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू ये दूसरा आंसर, तो आंसर क्या गया वन एंड माइनस टू, वन एंड माइनस टू इज द आंसर, वन एंड माइनस टू इज द आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपको अदर टू जीरो बताइए क्या होंगे, तो हमारे अदर टू जीरो हमें क्या मिल गया है वो क्या है वन एंड माइनस टू। तो अगर हम बात करें जीरोस क्या है, जीरोस कितने बने हमारे पास, जो गिवन था वो क्या था वन माइनस टू थ्री एंड माइनस थ्री, चारों जीरो हो गए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा चलो ठीक, चल मैं करता बात क्लास के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इफ इफ 2 एंड माइनस 2 आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। If 2 and minus 2 are the two zeros of the given polynomial, polynomial is x4 plus x cube minus 34x square minus 4x plus 120. चलिए सॉल्व करिए आप लोग, अपने आप सॉल्व करिए।
तो पहले फैक्टर क्या बन जाएगा, एक तो बन गया आपका फैक्टर्स, जब आप सॉल्व करेंगे पहला आएगा x माइनस टू और दूसरा आएगा आपका x प्लस टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को जो पॉलिनोमियल है उसको एक्स स्क्वायर माइनस फोर से डिवाइड करना है, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस थर्टी फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 120। लेकिन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, इसे क्या करना पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा ये आपका, पहले पावर फोर वाला, फिर पावर थ्री, पावर थ्री के बाद पावर टू फोर एक्स प्लस 120। ठीक है, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब आप इसे डिवाइड करिए, जो भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इसे क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना, ठीक है, और उसे जीरो के इक्वल इक्वेट करना, आपको दो जीरोस मिल जाएंगे। बिल्कुल जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 15 है। आप कॉपी कर लीजिए इसे, आप अपने आप करिएगा प्रैक्टिस के लिए, नहीं अगर आता है तो आप बताइएगा, मैं आपसे कल क्लास से दोबारा डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, अगर आपसे नहीं होता है तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हो गए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं सर ये क्वेश्चन जो अभी आज करा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी आप अपने आप ट्राई करिएगा, उसमें भी दो जीरो गिवन है आपके पास और आपको अदर टू जीरो फाइंड करने हैं। 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने अभी कराए हैं आपको, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं फिर आपसे परसों क्लास में दोबारा, तब तक आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन नंबर। अभी जो एक्सरसाइज है 2C, मैं आपको एक एक्सरसाइज और दे रहा हूँ, आज होमवर्क में व्हाट्सएप करूंगा, वो एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है।